वाह, शतरंज खेला जा रहा है। अरे नितिन जी आइए, ये बैठिए ना। कौन जीत रहा है वैसे? यही जीत रहे हैं, और कौन जीत सकता है। हमारे सर ना चेस में चैंपियन हैं, आज तक कोई नहीं रह पाए ने। अच्छा, ऐसी बात है क्या? बिल्कुल ऐसी बात है, मेरा दोस्त स्टेट लेवल चैंपियन है चेस में। फिर तो आपके दोस्त को मेरे साथ एक गेम खेलना चाहिए, क्योंकि आज तक मैं भी एक भी चेस गेम में नहीं आ रहा हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि मैं कोई चैंपियन नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी बड़े लेवल पे खेलने की नहीं सोची। अगर सोची होती ना तो मैं आज स्टेट चैंपियन नहीं, वर्ल्ड चैंपियन होता। हो सकता है सर, लेकिन पीयूष को हराना ना बहुत मुश्किल है। मैं तो बल्कि आपको एक सलाह देता हूँ कि आप इसके साथ खेलो ही मत। ये तो आपने बहुत अच्छी सलाह दी, अब तो मैं शर्त लगा कर खेलूंगा। लगी 2000 की? अरे लगी। अरे ये सब क्या कर रहे हो आप दोनों? खेल है, खेल को खेल की तरह लेते हैं ना। अरे यार, आपका चैंपियन दोस्तों खेलने से पहले डर गया। देखिए डरा नहीं हूँ मैं, बस वो। अरे बस बस क्या, अगर नहीं डरे तो खेलो। और वैसे भी 2000 रुपये कौन सी बड़ी चीज़ है, तुम्हारे लिए मेरे लिए, इतने का तो डेली पेट्रोल ही घूम जाता है। अच्छा चलिए आइए खेलते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। सेकंड में जीत गए आप तो। अब कोई बोलेगा कुछ है? 2000 रुपये। अरे नहीं यार, रखो अपने पैसे। वैसे भी मैं शर्त के पैसे नहीं लेता। हाँ शर्त लगाता जरूर हूँ, क्योंकि शर्त लगाकर जीतने का मजा ही कुछ और है। अरे नहीं नहीं जी, नितिन जी शर्त के पैसे ऐसे छोड़ने नहीं चाहिए। नहीं नहीं आप रखिए ये पैसे, मैं कुछ खा लेता हूँ, वैसे भी मैं कुछ खाने आया था। हाँ सर, ऑर्डर लूँ। ठीक है आई सर। और उदास मत हो यार, ये कहावत तो तुमने सुनी होगी ना, हर बाप का एक बाप जरूर होता है। क्यों किया तूने ऐसा? मैंने क्या किया, खेल है, कोई जीतेगा तो कोई हारेगा। यार ज्यादा बातें मत बना, मैंने पूरी गेम देखी है और मैं जानता हूँ तू जान पूछ के हारे। आखिरी साल में तूने घोड़ा क्यों नहीं चला, और वो देखो कैसे बेइज्जती करके गया हम दोनों की। इतना गंदा खेलता था, उसको तो मैं ही हरा देता। देख भाई, ये गेम में भले ही हार गया, पर असली जिंदगी की गेम में ना मैं जीता हूँ। मतलब कि वो जो नितिन जी है ना, हमारे रेस्टोरेंट के रेगुलर कस्टमर है। वो देख रहे हैं वो सामने फैक्ट्री, उसी के मालिक है। उनकी कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है ना, वो यहाँ हमारे रेस्टोरेंट पे ही होती है। उनके फैक्ट्री में कोई भी फंक्शन हो, पार्टी हो, उसका सारा ऑर्डर खाने का हमारे ही से जाता है। तो ओवरऑल वो हमारे बिजनेस के लिए ना एक एसेट है, समझा? देख अभी उनको हरा देते ना, तो ये बात वो अपनी ईगो पे ले लेते और यहाँ पे कभी नहीं आते। पर अब वो यहाँ पर पहले से भी ज़्यादा है, क्योंकि इंसान को ना वहीं आना पसंद है जहाँ पर वो घमंड दिखा सके। अब रही बात बेइज्जती की, यार देख कस्टमर है हमारा, क्या ही फर्क पड़ता है। बहुत दिमाग आ गया तेरे में चेस खेलते खेलते। यार ये जो जिंदगी है ये भी तो चेस की तरह ही है, यहाँ पर ताकत से ज़्यादा अकल लगानी पड़ती है। जो अकल लगा लेता है उस गेम में जीत जाता है, नहीं लगाता वो ऐसे सेकंड मेट हो जाता। अब देखो ने कैसे खुश होकर खा रहे हैं।